अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भारत में ऐसे अनेक मंदिर और पवित्र स्थल विद्यमान हैं जो केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण ही नहीं, अपितु अपनी आश्चर्यजनक निर्माण शैली तथा अद्भुत कलात्मक सज्जा के कारण भी विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जो पूरे विश्व में कोणार्क मंदिर के नाम से विख्यात है। यह प्राचीन मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नगर के निकट स्थित है। पुरी भारत का एक प्रमुख धार्मिक नगर है, जहां अनेक पवित्र तथा प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए जिन चार धाम की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाता है, पुरी उनमें से एक है। ये नगर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है। पवित्र नगर पुरी के निकट ये पवित्र कोणार्क का मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया ये मंदिर भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। सूर्य मंदिर यहाँ के सभी पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है। ये मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्पकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कोणार्क दो शब्दों का जोड़ है, कोण और अर्क, शब्दों के मेल से बना है। कोण अर्थात कोना अर्थात किनारा, और अर्क जिसका अर्थ है सूर्य, इन दोनों के मेल से ही ये शब्द बना है। ये पुरी और चक्र क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था, किंतु कुछ लोगों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगूर नरसिंहदेव थे, एवं लोगों का एक तर्क ये भी है कि उनकी अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण रुक गया था। इसके परिणाम स्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता। पुरी के मदन पड़जी के आंकड़ों के अनुसार कुछ 1278 ईस्वी के ताम्रपत्रों से पता चलता है कि राजा लंगूर देव ने 1282 तक शासन किया। कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ईस्वी के बीच हुआ था, परंतु ये बात तर्कसंगत नहीं लगती कि इस मंदिर के अपूर्ण निर्माण का कारण ही इसके ध्वस्त होने का कारण रहा होगा। कहा जाता है कि इसके निर्माण में 1200 शिल्पियों ने लगभग 12 साल तक कार्य किया। इसके चारों तरफ हरियाली युक्त छोटे छोटे उपवन बनाए गए हैं, इनसे ये मंदिर और भी अधिक शोभायमान लगता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनमें से कुछ देवी देवताओं से संबंधित हैं, किंतु निकट ही ऐसी ही अधिक प्रतिमाएं हैं जो वन्य प्राणियों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त निकट ही एक प्राचीन कुआं भी मौजूद है, संभवतः इसका संबंध मंदिर के निर्माण से हो सकता है। इसे भी संरक्षित रखा गया है। ये मंदिर चार भागों में विभाजित है, नृत्य भवन जिसे बहुत से लोग डांसिंग हॉल भी कहते हैं, प्रार्थना भवन, मुख्य मंदिर और उसके पीछे महादेवी भवन। चारों भाग अपने रूप में विशेषता लिए हुए हैं। प्रथम भाग अर्थात नृत्य भवन के प्रवेश पर दो सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। वास्तव में शेर को हाथी का विनाश करते हुए बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इंसानी शरीर के अंदर भी एक हाथी ही होता है। इस दृश्य में शेर गर्व का और हाथी पैसों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंसानों की बहुत सी समस्याओं को इस प्रतिमा में एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हुई हैं। ये 28 टन की 8.4 फुट लंबी, 4.9 फुट चौड़ी तथा 9.2 फुट ऊंची है। इस प्रवेश द्वार के आगे ही नृत्य भवन अर्थात नाट्य मंदिर है।
ये वो स्थान है जहाँ मंदिर की नर्तकियाँ सूर्यदेव की आराधना तथा अर्पण के लिए नृत्य किया करती थी। पूरे मंदिर में जहाँ जहाँ तहाँ फूल बेल और ज्यामितीय नमूनों की शिल्पकारी की गई है। इसके साथ ही मानव देव, गंधर्व, किन्नर आदि की मूर्तियां भी दर्शित हैं। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल बेल और ज्यामितीय नमूनों की शिल्पकारी भी की गई है। इनके साथ ही मानव देव, गंधर्व, किन्नर आदि की मूर्तियां भी दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामुक हैं और कामसूत्र से ली गई हैं। लगभग सभी प्रतिमाएं नृत्य मुद्रा में उकेरी गई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्प कला कृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर के नृत्य समारोह, जिसे कोणार्क नृत्य समारोह कहा जाता है, का सरकार की ओर से आयोजन किया जाता है। महान कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस मंदिर के बारे में लिखा था, जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। मंदिर का दूसरा भाग, जो नट मंदिर अर्थात नृत्य भवन और मुख्य मंदिर के बीच स्थित है, प्रार्थना हाल या प्रार्थना भवन कहलाता है। ये स्थान मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर स्थित है। मंदिर का मुख्य प्रांगण 857 फीट लंबा तथा 540 फुट चौड़ा है। ये मंदिर क्योंकि पूर्व पश्चिम दिशा में बना है, इस कारण प्रांगण अर्थात प्रार्थना स्थल में बैठने वाले श्रद्धालुओं को प्राकृतिक रूप से पश्चिम की ओर ही बैठना पड़ता है, यानी उनका मुंह पश्चिम की ओर ही रहता है। कोणार्क का ये मंदिर भारत का इकलौता सूर्य मंदिर है, जो प्राचीन उड़िया स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण नक्षत्रों की गति को ध्यान में रखकर ही किया गया है। सूर्य की परिक्रमा एवं गति का विशेष रूप से गणना किया गया है। यही कारण है कि शिवरात्रि के दिन जब सूर्य उदय होता है, तो उसकी पहली किरण नृत्य भवन से होते हुए सीधे गर्भगृह के भीतर पड़ती है। मुख्य मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का बनाया गया है। सूर्य मंदिर समय की गति को भी दर्शाता है, जिसे सूर्य देवता नियंत्रित करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़े पहिए हैं और सूर्य को खींचने के लिए उसमें 7 जोड़े घोड़े जुटे हैं। सूर्य देवता के रथ के आकार में बने कोणार्क के इस मंदिर में भी पत्थर के पहिए और घोड़े हैं, साथ ही उन पर उत्तम नक्काशी भी की गई है। इस रथ में धातु से बने चक्रों की 12 जोड़ियां हैं, जो 3 मीटर चौड़ी हैं और जिसके सामने कुल 7 घोड़े, जिसमें से 4 घोड़े दाईं तरफ और 3 घोड़े बाईं तरफ हैं। 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे दर्शाते हैं। वहीं इनमें लगी 8 दाढ़ियां दिन के 8 प्रहर के प्रतीक का स्वरूप है। कुछ लोग का मानना है कि 12 जोड़े पहिए साल के 12 महीने को दर्शाते हैं। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। कोई भी इंसान पहियों की परछाई से ही सही समय का अंदाजा लगा सकता है। रथ के एक पहिए का डायमीटर 10 फुट का है और इनमें से अब एक ही घोड़ा बचा है। इस रथ के पहिए, जो कोणार्क की पहचान बन गए हैं, बहुत सारे चित्रों में, यहाँ तक कि भारतीय मुद्रा में भी दिखाई पड़ते हैं। इस मंदिर की रचना भी पारंपरिक कालिंगा प्रणाली के अनुसार की गई है। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर खड़े खुदारिक पत्थरों से ही मंदिर का निर्माण किया गया था। ये मंदिर लगभग 229 फुट ऊंचा है। इस मंदिर का गर्भगृह बंद है। कहा जाता है कि भीतर का भवन बहुत अधिक ध्वस्त हो गया था, इस कारण इसे बंद कर दिया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि मंदिर और उस पर बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही इस मंदिर में प्रवेश बंद रखा गया है। कहते हैं कि मंदिर के ऊपरी भाग में एक भारी चुंबक लगाया गया था, जो संभवतः हटा दिया गया।
ऐसा माना जाता है कि उस चुंबक को हटाए जाने से ही मंदिर ध्वस्त हुआ। बताया जाता है कि चुंबक इस प्रकार मंदिर की छत पर स्थापित किया गया था कि पूरे मंदिर का संतुलन उसी पर टिका हुआ था और सूर्य भगवान की अष्ट धातु की प्रतिमा हवा में लटकी रहती थी। ये उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नक्काशी एवं पशुओं तथा मानव कलाकृतियों का सटीक प्रदर्शन इसे अन्य मंदिरों से कहीं बेहतर सिद्ध करता है। इस मंदिर के आसपास दो और विशाल मंदिर पाए गए हैं, जिनमें से एक छाया देवी मंदिर है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के दक्षिण में ऐसा माना जाता है कि छाया देवी सूर्य भगवान की पत्नी थी। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी के अंत में खोजा गया था। इस मंदिर के पास का दूसरा मंदिर है वैष्णव समुदाय का। इसमें बलराम, वाराह और त्रिविक्रम की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, इसीलिए इसे वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन दोनों ही मंदिर की मूलभूत मूर्तियां गायब हैं। इसके निकट ही एक और मंदिर है। इस छोटे से मंदिर को ईंट मंदिर अंकित किया गया है। इसके भीतर भी कोई प्रतिमा नहीं है। मंदिर से गायब हुई बहुत सी प्रतिमाओं को कोणार्क आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है। इसके निकट ही रसोईशाला भी है। संभव है इसका निर्माण यहाँ आने वाले भक्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया गया हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ रहने वाले पुजारियों के लिए ये रसोईशाला बनाई गई हो। सूर्य मंदिर कुछ अज्ञात कारणों से मूर्ति स्थापना के पूर्व ही नष्ट हो गया था। इस कारण इसे खंडित मंदिर भी कहा जाता है। बताया जाता है कि मंदिर में स्थापना के लिए 9 ग्रहों की मूर्तियां भी बनवाई गई थी। क्योंकि मंदिर मूर्तियों की स्थापना से पहले ही ध्वस्त हो गया था, इस कारण जो मूर्तियां शिल्पकारों ने बनाई थी उन्हें मंदिर में स्थापित नहीं किया गया। धार्मिक परंपराओं के अनुसार खंडित मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। इस मंदिर को पुजारियों ने एक सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्वीकृति के उपरांत रखी हुई इन प्रतिमाओं की पुजारियों द्वारा विधिवत रूप से पूजा की जाती है। 9 ग्रहों को समर्पित ये सभी प्रतिमाएं काले पत्थर से निर्मित हैं। इन प्रतिमाओं से इस बात का आभास होता है कि संभवतः कोणार्क का ये शिव मंदिर अंतरिक्ष में स्थापित 9 ग्रहों की स्थितियों को दर्शाने के लिए बनवाया गया हो। ये भी संभव है कि इस मंदिर में अंतरिक्ष विज्ञान की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाना था। ऐसा भी हो सकता है कि इस मंदिर में 9 ग्रहों की गति और दिशा, धरती पर उनके प्रभाव संबंधित जानकारी की जानी थी। कोणार्क का ये भव्य मंदिर अज्ञात कारणों से ध्वस्त होने के उपरांत भी भारतीय जनमानस के हृदय में पूर्ण रूप से आज भी सुरक्षित है। इस मंदिर के साथ अनेक प्रकार की पौराणिक एवं ऐतिहासिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं। कोणार्क के बारे में एक मिथक और भी है। यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। अगर कोणार्क में रहने वाले पुराने लोगों की बात माने तो आज भी यहाँ आपको शाम के समय उन नर्तकियों के पायल की झनकार सुनाई देती है जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। ऐसा मंदिर जिसमें कभी पूजा नहीं हुई अपने आप में आश्चर्य की बात है। एक तरफ जिसे मंदिर कहा जाए वहीं पूजा ना हो, ये किसी अचंभे से कम नहीं। यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर माने तो आज तक इस मंदिर में कभी पूजा नहीं हुई। पूजा हो या ना हो, लेकिन इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के साथ लोगों की आस्था पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है।